खबर शुभी लाइव, आपकी खबर तेजसर। विकास का प्रसाद मिल बांटकर गटक गया प्रधान प्रतिनिधि। सल्टावा ब्लॉक के शिवपुर गांव में बही घोटाले की बया। भ्रष्टाचारी प्रधान ने बिना काम कराए विकास का कर दिया बंटा था। ग्रामीणों की निजी भूमि पर पोखरा खुदाई के नाम पर निकाले लाखों। सांसद और विधायक निधि से बनी सड़क में हुआ जमकर घोटाला। गांव में एक सड़क के नाम पर कई बार लिया गया भुगतान। भ्रष्टाचारी प्रधान उमेश सिंह के कारनामों से ग्रामीणों ने उठाया पर्दा। सीडीओ राजेश प्रजापति ने घोटाले की जांच के लिए बनाई टीम। आखिर कब तक गांव के विकास में आने वाले बजट में होता रहेगा बंदर बांट। सरकार की योजनाओं की सरकारी लूट का जीता जागता नमूना देखना हो तो बस्सी चले आई, जहां सल्टावा ब्लॉक के शिवपुर गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि उमेश सिंह ने कागज में ऐसा टनाटन काम किया कि गांव में विकास सूरज की रोशनी में भी लोगों को दिख नहीं रहा है। ये तालाब जो देखने में आपको तालाब दिख रहा है, असल में ये तालाब नहीं बल्कि शिवपुर गांव के लल्लन टॉप प्रधान की नोट छापने की मशीन है, जहां पानी नहीं बल्कि सिक्कों की खनक सुनाई पड़ती है। दरअसल गांव के ही रहने वाले छत्रपति यादव और बब्बू सिंह ने अपने खर्चे से तालाब का निर्माण कराया, मछलियां पाली, जिसे देख प्रधान की लालची निगाहें लार टपकाने लगी। मौका पाकर ब्लॉक के फरेबी कर्मचारियों से मिलकर तालाब के सौंदर्यीकरण के मद का लाखों रुपए हड़प लिए। इसके पहले बेईमान प्रधान उमेश की लुटेरी गौरव गाथा और सुनाए, आइए हम गांव के खेल मैदान पर ले चलते हैं, जहां सरकार ने भविष्य का सपना संजोए, रंगरूट नौजवानों की चुस्ती और दुरुस्ती के लिए जो लाखों रुपए भेजे उसे इस प्रधान ने फुर्ती और चुस्ती से दिखाते हुए लाखों रुपए चट कर लिए और जवानों की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। ये घटोत्कच प्रधान प्रतिनिधि यही नहीं रुका, सांसद निधि से बनी सड़कों को भी ब्लॉक के निकम्मे और फरेबी कर्मचारियों से मिलकर उसे अपना काम दिखाकर प्राप्त धन को भी अपने बाप का माल समझ कर डकार लिया। मिनी सचिवालय के नाम पर भी लाखों का भुगतान करा लिया गया, जबकि मौके पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। हाँ, ये हमारा तालाब हमारा निजी है। ये कौन सा गांव है? ये बैरवा है। क्या नाम है आपका? बब्बू सिंह। तो इस तालाब पे पैसा खरीद हुआ है सरकारी? हाँ। तो जानकारी हुई आपको? क्या नहीं, हमको जानकारी नहीं थी। अब पता लगा तो क्या जानकारी हुई भाई? जब पता चला कि इस पर जो है पैसा निकल गया है, हमको जानकारी नहीं था। किस मद में पैसा निकाला है इस पर और किसने निकाला है? इसे मद में इसे खुदाया है इसको, ये क्या किया है इसे? मान लीजिए खुदाई उदाई कराए होंगे, मतलब ये तो अपने जेसीबी समखनाए थे इसको, लेकिन अब इस पर किस मतलब निकाले, गांव सभा से निकाले होंगे, गांव सभा से निकाले होंगे ये पैसा वहाँ पूर्व प्रधान मतलब तालाब खुदाई का। हाँ, तालाब खुदाई का। ये जो पीछे सड़क दिख रही है ये तो इसके सांसद का बोर्ड लगा है, लेकिन पता चला कि आपके प्रधान ने भी इस पर पैसा निकाला है। ये प्रधान कोटा से बना ही नहीं है, पैसा निकाले हो या ना निकाले हो पैसा, लेकिन ये सांसद मुझे सेंटर ला चुका है। कागज में दो बार इसका पैसा निकाला गया है, प्रधान ने निकाला है इसकी जानकारी है? कई बार निकाले हुए हैं, तमाम पैसा निकालेंगे, उन गाँव में कोई काम नहीं है। और क्या क्या घोटाला हुआ आपके गांव में? कहूँ का कोई काम आप ताहिर के देखते हो ना भाई, कौन काम है? इंटरलॉकिंग वो कराए हैं ये पट्टी में, आपको मंडी समिति से हुआ है, उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। खेल मैदान के नाम पे लाखों रुपए भुगतान हो गए कागज में, आप क्या कहेंगे इस तरह से? देखिएगा आप जो हुआ है सामने, कितना अच्छा खेल मैदान बना है, कितना सुंदर लग रहा है, आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा बना है। पूरी झाड़ियां है मैदान में, कभी कोई साफ सफाई काम कुछ कभी कुछ नहीं हुआ, मिट्टी गिरा एक बार वही जो 10-20 टाली गिरा हो, 25 टाली। अच्छा, यही गिरा है। कोई युवा यहाँ पर आके खेल नहीं पाता सर? उसमें कौन खेलेगा, उस झाल में कौन जाएगा मरने के लिए? वहाँ गंदगी है सर, क्या है अब देख ही रहे हैं। मेरा नाम गगन सिंह है और कौन सा गाँव है? ग्राम शिवपुर है। पीछे क्या पता? पीछे ये खेल मैदान है, ये हमारे ग्राम सभा का, और इस पे कुछ काम हुआ नहीं है, और इस पे मनरेगा के द्वारा लगभग लाखों लाख डेढ़ लाख जो भी हुआ होगा, मतलब कंफर्म नहीं प्राइस पता हुआ इसका अमाउंट, बट इसमें पैसा निकला हुआ, काम कुछ नहीं हुआ है। काम देख ही रहे हैं आप जो हुआ है? देखिए आप क्या काम क्या हुआ, जंगल पूरा है, इसमें गाय भैंस दौड़ती है, इसमें काम कुछ हुआ नहीं है।
बना क्या है ये कागज में? कागज में खेल मैदान है, खेल मैदान दिखाया गया हुआ है। अच्छा, ये कौन सा गांव है और शिवपुर यहाँ पर क्या क्या गलत काम हुआ है? क्या गलत काम हुआ? सड़क के दो तीन दिन परेशानी करके बाय काम से काम भले नहीं हुआ है। लैट्रिन डबल डबल लैट्रिन दे दिए हैं एक एक आदमी का। खेल मैदान में भी पैसा? हाँ, खेल मैदान पैसा निकाल पोखर का पैसा निकाल लेते हैं, अब काम होते ना फालतू निकाल लेते हैं पैसा। कौन थे पूर्व प्रधान? उमेश सिंह। बहरहाल इस पूरे मामले पर हमने जिले के विकास वाले बड़े अफसर से बात की तो साहब ने कहा कि जांच कराई जाएगी, हर कार्यवाही भी की जाएगी। लेकिन अफसर बाबू, हमारा भी ये सवाल है कि आपके रहते ब्लॉक के फरेबी अफसर और निकम्मे बाबू इतना बड़ा कारनामा कर कैसे गए? गोपालपुर ब्लॉक का सिंहपुर गाँव है, वहाँ पर सर कई तरह की अनियमितता की गई है गाँव में, क्या कार्य के नाम से पोखरे की खुदाई करा लिए गए और जबकि जिनकी जमीन है उनको पता ही नहीं है, कायाकल्प योजना में भी गड़बड़ डाला है, सर क्या इसको कार्रवाई है? नहीं, इसमें भी जैसा आपने बताया है, इसमें भी लोगों ने शिकायत यही किया था कि जो गज्जर तालाब लोग बनाते हैं उस पर आपके शिकायत के हिसाब से तालाब नहीं बना है, और इसके अलावा जो कायाकल्प में है उसमें भी बिंदु था कि जो हमारे जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें कि कायाकल्प के द्वारा जो काम किए जाने से शायद नहीं हुआ है, भुगतान की बात आ रही है, कमेटी बनी है इसमें जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।